दोस्तों बुलेट 350 BS6 मॉडल या फिर कह लो स्टैंडर्ड 350 बहुत ही पसंदीदा बाइक है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, मैं खुद भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैंने उसको रियल बुलेट का दर्जा भी दिया है अपनी हर वीडियो में। मेरे पास वो बाइक थी भी, मैंने बेच दी थी। खैर ये सारी बातें हो गई, लेकिन आज मैं बात आपसे करूँगा कि क्यों इस समय पर, आज के समय में, आज की तारीख में इस बाइक को नहीं ख़रीदना चाहिए। मैं बिल्कुल भी किसी से ये नहीं कह रहा कि अगर किसी भाई को मेरे पसंद हुए बाइक तो आप मत खरीदो, आप बिल्कुल खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वे सही हैं तो आप फिर इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हो। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये, मैं बिल्कुल भी फालतू की बातें आपसे नहीं करूँगा कि इसमें वाइब्रेशन है भाई, इसमें सेल्फ नहीं है तो इस वजह से मत खरीदो, वो हमें पता है, वो इसका कैरेक्टर है, तो वो सब चीज़ों को छोड़ दो, जो सही बात है उसके ऊपर बात करेंगे और बहुत जल्दी आपको ये सब बातें मैं बताऊंगा। देखिए सबसे मेन चीज़ है इसकी, वो है इसकी सेफ्टी का इशू। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इसके जो ब्रेकिंग है, आज की तारीख में सेफ्टी बहुत बड़ा एक चीज़ है, उसको देखते हुए जो इसकी ब्रेकिंग है प्लस जो इसका रियर टायर है उसको देखते हुए मैं ये बात आपको कह सकता हूँ, मेरे पास सही भी है बाइक तो ये डेफिनेटली एक सेफ बाइक नहीं कह सकते आप। अगर आप बारिश वगैरह में कभी इसको चलाएंगे तो आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि जो इसका रियर टायर है ना, जरा सा ब्रेक मारते ही एकदम स्किड करता है, तो ये चीज़ जो है मुझे थोड़ी सी गड़बड़ वाली लगती है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी दोस्तों जो चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है इसका इशूज़ जो आ रहे हैं बुलेट 350 BS6 में। आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ये बाइक ख़रीदी थी सितंबर 2020 में और सितंबर 2020 के बाद लगभग 5 महीने मैंने इसको चलाया। 5 महीने चलाने के बाद मुझे बहुत सारे इसमें इशू फेस हुए, बहुत सारे, बार बार कस्टमर केयर पे दिखाना, बार बार धक्के खाना, परेशान हो जाना बार बार, लेकिन उसके बाद भी इशू जो है सॉल्व नहीं हुए। आपको पता ही है रॉयल एनफील्ड की सर्विस को लेकर कितनी सारी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। कुछ मेन इश्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक इशू है इसका BS6 मॉडल में स्पेशली कि अगर आप हाथ छोड़ देते हैं, मैं वैसे हाथ छोड़ना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, चलाते हुए बाइक का, जब बाइक के हैंडल को आप छोड़ेंगे तो बाइक जो है एक तरफ राइट साइड की तरफ ऐसे चलती है, भागती है एक तरफ को। दूसरा जो मेन इशू है वो है मिसिंग का इशू। ECU को लेकर ये बहुत ज़्यादा इशू सामने आ रहा है। ये दो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इतनी ज़्यादा फेस कर रहे हैं लोग जिसका कोई हिसाब नहीं। आज भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भैया ये एक तरफ बाइक भाग रही है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, मिसिंग कर रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी बहुत छोटे 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 इश्यूज़ हैं। तो ये इशू जो अभी क्लासिक 350 या जे सीरीज़ इंजन जो आ रहा है इसमें मुझे इतना नहीं लगा, ना ही मुझे किसी भाई ने ये बात बताई। तो ये इशूज़ जो हैं इनका आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे बंदे हैं जो ऐसी बाइक नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि सब में इशू आएंगे लेकिन आ सकते हैं, तो अगर आप परेशान नहीं होना चाहते या बिल्कुल श्योरिटी चाहते हैं बाइक के साथ में अपनी, तो इस चीज़ को पहले समझ लीजिएगा। तीसरी दोस्तों जो बात है वो है BS6 मॉडल की, बुलेट 350 BS6 मॉडल की इंजन साउंड। देखिए एक समय था जब बुलेट के इंजन से साउंड नहीं आती थी, एग्जॉस्ट से साउंड आती थी, डुक 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 डुक, बहुत ही स्वीट, मतलब वो जो साउंड है ना वो दिल में एक जगह बना चुकी है हमारे। लेकिन अभी क्या है, जो BS6 मॉडल है, आप मतलब मैं क्या बताऊँ, हमारे पापा जो हैं बहुत पहले से बुलेट चला रहे हैं और जब मैं BS6 मॉडल की जब बुलेट लाया था तो उन्होंने मुझसे बोला था घर 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 की आवाज़ जो आ रही है इंजन में, क्या क्या है बुलेट, बुलेट का क्या बना दिया रॉयल एनफील्ड ने। तो आप समझ सकते हैं कि जो रियल लवर है ना रॉयल एनफील्ड का, उसको ये बात पता लग रही है कि जो साउंड एक्चुअल में होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये बात सच है कि आप बाहर से एग्जॉस्ट लगवाओगे या फिर उसको मॉडिफाई वगैरह करवा के उसकी साउंड वगैरह आप बेस बना लोगे, लेकिन यार फिर वही चलान कटेंगे, ये कटेंगे, वो सब चीज़ें हैं ना, तो ये सब चीज़ जो है ये इशू है। अब साउंड जो है इंजन की ऐसी हो चुकी है भाई, मतलब बिल्कुल ही मज़ा नहीं रहा, सच बताऊं तो आपको। अगर आप रियल में आप स्ट्रोक एग्जॉस्ट रखते हो बुलेट के अंदर तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। आप सच्ची में बहुत ज़्यादा लोग ये कहेंगे भाई क्या क्या कैसी आवाज़ आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो ये चीज़ है, अगर तो आप ये समझ लेना पहले कि साउंड कैसी आने वाली है, ठीक है ना। और अगर आप एग्जॉस्ट चेंज कराओगे आफ्टर मार्केट तो फिर चलान का ध्यान रखना। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है जो प्राइस इस समय रॉयल एनफील्ड ले रही है वो मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी नहीं है। वो कैसे नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
सेप्टेम्बर 2020, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं उस समय जो बाइक अपनी जब लेने गया था तो उस समय इसकी एक्सशोरूम कीमत थी 130,000 रुपीज़ के आसपास। अभी मुझे एग्जैक्ट कीमत नहीं पता, 130,000 रुपीज़ के आसपास थी। लेकिन आज अगर आप बुलेट 350 अगर ख़रीदने जाएंगे तो अब इसकी कीमत जो है एक्सशोरूम वो है 151,000 रुपीज़ के आसपास, 151,900 रुपीज़ आई थिंक है। तो आप देखेंगे 20,000 रुपये से भी ज़्यादा जो है बढ़ाए जा चुके हैं एक साल के अंदर, जबकि जो बाइक है मेरी वो सेम टू सेम थी BS6, बिल्कुल कोई चेंजेस तो किए नहीं है, नंबर प्लेट सिर्फ काली कर दी, इसके अलावा कोई चेंज नहीं किया है। तो इस कीमत में आपको ऑन रोड कीमत पड़ती है लगभग 1,80,000 रुपीज़ तक भी पड़ जाती है। तो इस कीमत में मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर हम देखें इस चीज़ को कि भाई बाइक के अंदर सेल्फ भी आपको नहीं दिया जा रहा, ट्यूब टायर दिए जा रहे हैं, बहुत पतला टायर दिया जा रहा है, कोई फीचर नहीं है और कोई चेंजेस नहीं है, अगर ये चीज़ें सब देखें तो मुझे लगता है कि प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं बेवजह। तो उस कीमत पर, इस कीमत पर जो अभी हमसे ली जा रही है, मुझे लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अभी रिसेंटली 5,000 रुपये करीब फिर बढ़ाए गए हैं, तो ये बेफजूल की बात है, बिना बात कीमत बढ़ाई जा रही है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है ये भी बहुत एक जरूरी रीज़न है। देखिए इस समय पे मैं बात कर रहा हूँ आज की, मैं पहले की नहीं बात कर रहा, आज की बात कर रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का स्टॉक जो है धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में भी अपनी बताया था। एक बात मैं आपको दोस्तों बता दूँ, मैं बहुत सारी वीडियो ला चुका हूँ, बहुत सारे मेरे भाई ये पूछते हैं कि भैया इसके बारे में वीडियो बनाओ, इसके बारे में वीडियो बनाओ। मैं बहुत सारी वीडियो, 600 से भी ज़्यादा वीडियो मेरे चैनल पर हैं, तो आप ज़रूर वीडियो सेक्शन में जाकर इस चीज़ को चेक करें। तो मैंने आपको बताया था कि रॉयल एनफील्ड क्या है, अपना स्टॉक जो है धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। अब जब स्टॉक ख़त्म कर रही है तो वेटिंग पीरियड जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं हो पा रही बाइक। तो इसकी वजह से अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसको बाइक जल्दी चाहिए, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि भैया मेरी बाइक को एक महीना हो गया नहीं मिली, डेढ़ महीना हो गया नहीं मिली। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो वेट नहीं कर सकते या सोच रहे हैं कि भैया मैं जाऊंगा शोरूम पे और पैसे दूंगा और तुरंत जो है मुझे बाइक मिल जाएगी, तो इस चीज़ को भूल जाओ भाई। मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी बंदे को जल्दी बाइक नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको हैंड टू हैंड मिल जाए, लेकिन जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है वो लगभग 2 महीने का इस समय चल रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा हो चुका है, जबकि क्लासिक 350 कई जगह पर आपको बहुत जल्दी मिल रही है। रीज़न मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है, और आपको मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बाइक खरीदो मत, ये वाली बिल्कुल खरीद सकते हो, लेकिन ये इसके बारे में सोचेगा जरूर। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और भी आगे आगे इस तरह की वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सही बात सही चीज़ बताऊंगा हमेशा। आज की वीडियो में इतना ही, चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। जय हिंद, टेक केयर।